अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सैमी किचन। आज हम बनाने जाएंगे प्याज अदरक और लहसुन का होममेड पाउडर। बहुत ही आसान है, ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको प्याज अदरक लहसुन चाहिए और इजीली आपका घर में बन जाएगा। यह मैंने 250 ग्राम लहसुन लिया है, 1 किलो से थोड़ी ज़्यादा प्याज ली है और ये अदरक लिया है 250 ग्राम। आप सोचोगे ये डार्क और ये लाइट क्यों है, ये फ्रेश अदरक है और ये जब मैं फ्रेश लाई थी उसको वॉश करके मैंने धूप लगा दी थी जिससे ये थोड़े ड्राई हो गए। अब इसको ग्राइंड करने में आसानी रहेगी। तो अब हम शुरू करते हैं कैसे हमें ये पाउडर बनाना है अदरक लहसुन और प्याज का। बहुत ही आसान है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लहसुन को करेंगे, इसको आप चाहो तो इस तरह से किस सकते हैं या फिर आप उसको थोड़ा सा सुखा के ग्राइंड कर सकते हैं। ग्राइंड करने में आप पानी बिल्कुल भी मत डालिए। मैं इस तरह से इसको किस लूँगी। देखिए इस तरह से किसेगा। अब मैं ये इन सभी को ऐसे ही किस लूँगी, सभी को किस लूँगी। इनमें से आधा मैं किसूंगी और आधा मैं ग्राइंड करूँगी। देखिए मैंने ये ग्राइंड कर लिया है, अच्छा पिसा गया है। अब इसको आप प्लेट में निकाल के अच्छे से फैला लीजिए। कोई दिक्कत नहीं अगर ये अच्छे से ग्राइंड नहीं हो, हमें सिर्फ हल्का सा ग्राइंड करना है कि लहसुन थोड़ा पिस जाए। अब फिर आप सुखा के अगर इसमें कुछ कुछ पीसेस जैसे ये रह गया है, रह भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इनको अच्छे से सुखा लें फैला के अच्छी कड़क धूप में। अच्छे से दूर दूर फैला इनमें ज़्यादा, मैं इसीलिए आपको सुखाने का बोले थे। अगर ये सूख जाते थोड़े तो ये ड्राई इजीली हो जाते हैं और इजीली ग्राइंड हो जाते हैं। इनमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती आपको, कोई नहीं, आप सुखा के भी कर सकते हो और आप बाद में भी इसको अच्छे से सुखा सकते हो, क्योंकि बाद में भी आपको सुखाना तो है ही। तो इस तरह से आप फैलाएं दूर दूर उसको। देखिए मैंने इसे अच्छे से फैला दिया, अब हम इन्हें धूप में रखेंगे। अब हम अदरक को करेंगे, अदरक भी आप चाहें तो किस सकते हैं। इसमें मैंने ज़्यादा किसने नहीं, इसीलिए मैंने अदरक को ड्राई करने कि वो आसानी से पिसा जाए, ज़्यादा उसमें पीसेस ना रहें। अदरक भी कुछ अदरक को मैं पीसूंगी और कुछ अदरक को मैं ग्राइंड करूँगी। इस तरह के छोटे छोटे पीस अदरक के हम काट लेंगे। ये देखिए हमारा अदरक भी पिसा गया है, ये भी बहुत अच्छे से पिसा है। अब हम इसको प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। इसको भी इसी तरह फैला लेंगे। देखिए इनको भी अच्छे से फैला दिया है। अब जब ये सूख रहे हों
उसके नेक्स्ट डे आप इसको पलट दीजिए। अब हम प्याज ले लेंगे। प्याज को आप कैसे किसी भी तरह से काट सकते हैं, या तो आप गोल गोल स्लाइसेस में काट सकते हैं, या तो आप जिस तरह मैं काटती हूँ उस तरह काट सकते हैं, या तो आप सिंपल स्लाइसेस में कट कर सकते हैं इसको इस तरह से। या तो आप इसको तरह से भी छोटे छोटे पीसेस में कट से कर सकते हैं, क्योंकि ये जल्दी सूख जाएगी। मैं इसी तरह कट कर रही हूँ सारी प्याजों को। या तो आप इसको इस तरह से स्लाइसेस में भी काट सकते हैं। ये देखिए मैंने सारी प्याज काट ली। अब हम इसको प्लेट में सूखने के लिए रख देंगे। अच्छे से फैला के रखें। इनको भी खोल लें। आप इसके लिए वाइट प्याज भी लेके सुखा सकते हैं, और कभी आपको वाइट ग्रेवी, वाइट चिकन, वाइट सालन कुछ बनाना हो तो आप उसके लिए स्पेसिफिक वाइट प्याज लेने। मैंने नॉर्मल प्याज ली। इंशाल्लाह मैं वाइट प्याज की भी आपको रेसिपी बनाऊंगी जब बताऊंगी। आपको जितनी प्याज लेके सुखाना हो आप इतनी कर सकते हो। मैंने अंदाजे से ये प्याज ली, मुझे लगता है शायद ये तकरीबन 1 kg। आप इसको नेक्स्ट डे ज़रूर पलटें, क्योंकि फर्स्ट डे ये थोड़ी ज़्यादा गीली है, तो नेक्स्ट डे आपको इसको पलटने में करेंगे तो जल्दी ये ड्राई हो जाएगी। इनको ड्राई होने में कितना टाइम लगेगा ये मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए इस तरह से मैंने धूप में इन्हें सुखाने रख दिया। अब मैं इन्हें नेक्स्ट डे पलट दूंगी। देखिए कितने अच्छे से हमारा अदरक, ये अदरक है, अदरक सबसे जल्दी सूख जाता है, और ये प्याज हैं ये भी सूख गए हैं। देखिए क्रैक आवाज़ आ रही है आपको, कितनी क्रंची हो गए। और ये लहसुन, आप एक चीज़ का और ध्यान रखें, अगर आप लहसुन को सुखा रहे हैं पीस के, तो अगर आप प्लेट में सुखा रहे हैं तो उसमें ऑयल लगा दें। ऑयल लगाने से क्या ये चिपकेंगे नहीं उस पर, और अगर नहीं तो आप नीचे पन्नी लगा दें, पन्नी पे सुखाएं तो वो निकलने में आसानी से निकल जाएंगे सूख कर। ओके तो ये तीनों सूख गए अच्छे से, अदरक भी सूख गया। अब वन बाय वन हम इनको ग्राइंड कर लेंगे। सबसे पहले ही हमने अदरक ले लिया और हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए अदरक ग्राइंड हो गया। अब हम इसको थोड़ा छान लेंगे, उसके बाद एक बार और ग्राइंड करेंगे। आइए हम इसे छान लेते हैं। देखिए हमने इसको स्टेनर में निकाल लिया, इसको थोड़ा थोड़ा करके छान लेंगे और उसके बाद एक बार और ग्राइंड करेंगे, तो इसमें जितने अदरक में रेशे होते हैं वो भी निकल जाएंगे इस तरह से इसके। ये देखिए हमारे मोटे मोटे जो भी हैं और रेशे हैं वो सब रह गए हैं, और नीचे हमें एक फाइन पेस्ट पाउडर मिल गया।
हम इसको स्टोर कर लेंगे और ये जो बचा हुआ है इसको एक बार और ग्राइंड कर लेंगे। ये हमने इसको एक बार और ग्राइंड कर लिया। अब जितना भी छानेगा हम छान के उसके बाद जितने भी रेशे और ये सब बचेंगे हम उनको डम कर लेंगे। आप चाहें तो चाय के लिए उसको रख सकते हैं, अदरक वाली चाय बनाने के लिए आप डाल सकते हैं, क्योंकि ये तो ऐसे पार्टिकल्स हैं तो चाय छन्नी में चन जाएंगे आराम से, तो दो दो यूज़ हो जाएंगे। एक अपन पाउडर का भी यूज़ हो जाएगा और दूसरा अगर आप चाहें तो चाय में यूज़ करेंगे, चाय अपनी अदरक वाली चाय बन जाएगी इससे। ये हो गया, अब ये सब हम चाय के लिए रख लेते हैं। देखिए कितना फाइन पाउडर बना है। आप इसको किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भर के रख सकते हैं, या तो अगर आपको डेली यूजेस में चाहिए तो आप इस तरह के एयर टाइट जार में कांच के उसमें रख लीजिए, नहीं तो आप ये वाला एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं इसको ऐसे पैक करके। अब हम लहसुन और प्याज को भी ग्राइंड कर लेंगे इसी तरह से। अब हम इसमें लहसुन ग्राइंड कर लेंगे। लहसुन भी हमारा बहुत ही बढ़िया तरीके से सूखा है, इजीली ग्राइंड हो जाएगा ये भी। हम लहसुन ग्राइंड कर लेंगे। देखिए हमारा लहसुन भी बड़ा अच्छे से ग्राइंड हो गया है। एक चीज़ का आप ध्यान रखें कि अगर आपको डस्ट एलर्जी या किसी भी हैवी स्मेल से प्रॉब्लम होती है तो आप मास्क लगा के ग्राइंड करें, क्योंकि इसकी स्मेल से आपको हो सकता हो इचिंग हो या फिर कोट कफ हो जाए, कोल्ड हो जाए। ये देखिए हमारा लहसुन भी बहुत ही फाइन पेस्ट बन गया। हम इसको भी एक बार छान लेंगे और फिर इसको स्टोर करेंगे। देखिए हमारा गार्लिक पाउडर भी तैयार है। आप इसका यूज़ गार्लिक ब्रेड बनाते हैं तो एक चुटकी डाल दीजिए, क्योंकि गार्लिक का फ्लेवर बहुत ही इनहेंसिंग होता है। ज़रा सी एक चुटकी अच्छा फ़ायदेमंद वो रहती है। ये देखिए हमारा लहसुन भी बहुत ही फाइन पेस्ट बन गया। हम इसको भी एक बार छान लेंगे और फिर इसको स्टोर करेंगे। देखिए हमारा गार्लिक पाउडर भी तैयार है। आप इसका यूज़ गार्लिक ब्रेड बनाते हैं तो एक चुटकी डाल दीजिए, क्योंकि गार्लिक का फ्लेवर बहुत ही इनहेंसिंग होता है। ज़रा सी एक चुटकी अच्छा फ़ायदेमंद वो रहती है, खुशबूदार और असरदार। तो गार्लिक ब्रेड में, या आपको सूप बनाना है इंस्टेंट सूप के लिए भी बहुत अच्छा है, उसको यूज़ करिए। अब हम बनाएंगे प्याज का पाउडर। हमने प्याज ले लिया, हमारी प्याज भी बहुत ही कुरकुरी हुई है। अब हम इसको ग्राइंड करके पाउडर बना लेंगे। देखिए तीनों पाउडर हमारे बन के तैयार है। ये अदरक का है, ये प्याज का है और ये लहसुन का है, और तीनों का ही कलर चेंज भी नहीं हुआ है। मैंने प्याज का थोड़ा सा दरदरा रखा है, आप अपने हिसाब से अगर आपको ज़्यादा ग्राइंड करना तो इसको और बारीक कर सकते हैं। प्याज का हम ड्राई चिकन अगर बनाना हो और हमें प्याज चाहिए तो उसमें यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप वाइट वाइट चिकन बना रहे हो उसमें यूज़ कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं ड्राई ओनियंस को। और ये ड्राई जिंजर आप पता ही है बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है, और लहसुन का भी मैंने आपको बताया है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप वीडियो ज़रूर देखते हैं पर लाइक करना भूल जाते हैं, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, वेलकम।